मध्य प्रदेश के सभी सरकारी जिला अस्पताल, उनसे जुड़े मेडिकल कॉलेज और 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदेश सरकार प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इन सभी स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रबंधन, संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएगी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम संगठनों ने एक साथ मिलकर सरकार के इस कदम का विरोध जताया है। दरअसल संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार के इस फैसले से नुकसान सिर्फ आम मरीजों को होगा। सरकार द्वारा शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया में प्रावधान किया जा रहा है कि इसमें 50% मरीजों का ही मुफ्त में इलाज होगा। मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 348 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पी मोड में चलाने के लिए टेंडर जारी कर चुकी है। वहीं 4 जिला चिकित्सालयों को भी पी मोड में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मचारी इसके खिलाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का इससे अहित होगा। पूरे स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण करना सरकार का फेलियर है। यदि सरकार इस पर फिर से विचार नहीं करती है तो स्वास्थ्य संगठन, कर्मचारी संगठन पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट। नमस्कार सभी पत्रकार बंधु, मैं डॉक्टर राकेश मालविया, मुख्य संयोजक शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ मध्य प्रदेश और अध्यक्ष प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश। आज हम सभी यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आपके सामने एकत्रित हुए हैं, और वो जो विषय है कि सरकार और शासन के द्वारा जो हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय हैं उनको पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी, उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मेरे साथ में प्रदेश की लगभग सभी चिकित्सीय और पैरामेडिकल एसोसिएशन आपके सामने हैं। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के मध्य प्रदेश के सचिव हैं आप, ईएसआई मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप, मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ जो जन परिषद के जन स्वास्थ्य अभियान के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं अमूल्य निधि जी, वो हमारे साथ में हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन हमारे साथ में है, नर्सिंग एसोसिएशन हमारे साथ में है, मेडिकल ऑफिसर मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ में है, मेडिकल एजुकेशन, और हमारे यहाँ आशा सहयोगनी के सदस्य हमारे साथ हैं। साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, पहली बार ये पूरे संगठन मध्य प्रदेश की गरीब जनता के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हमारे सामने लगभग 15 महीने पूर्व 10 जिला चिकित्सालय मध्य प्रदेश के, उनके टेंडर जारी हुए। और अभी आप सभी ने देखा होगा कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका एक बयान, जिसमें ये कहा गया कि प्रदेश के 52 जिलों के 350 के ऊपर सामुदायिक चिकित्सा अस्पताल सरकार इनको पीपीपी मोड पर देने की तैयारी कर रही है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत देश में जहाँ जहाँ प्राइवेट मॉडल पर जैसा कि हमारे महासंघ के जो चीफ कन्वीनर हैं डॉक्टर राकेश मालवीय द्वारा आपको अवगत कराया कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसमें 350 से ज़्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लिया गया है। और हम यहाँ पे इसलिए एकत्र हुए कि लगातार मुझे विभिन्न जिलों से जो हमारे चिकित्सक साथी पदस्थ हैं, जो स्टाफ पदस्थ थे, उनके द्वारा फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्या हमारा यहाँ से स्थानांतरण होगा या हम एक प्राइवेट एनजीओ के अधीन काम करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। उससे ज़्यादा चिंता मुझे इस बात को लेकर है कि इन अस्पतालों को जिनको दिया जाने वाला है, इसमें कितने प्रतिशत बेड सरकार के रहेंगे, कितने प्रतिशत उस प्राइवेट पार्टनर के रहेंगे, और जिन लोगों के जो सरकारी बेड हैं उन पे जिनके पास आयुष्मान नहीं है, क्या उनको भी उपचार दिया जाएगा। तो बड़ा मुद्दा हमारे स्टाफ से या हमारे चिकित्सकों से ना होते हुए जनता से जुड़ा हुआ है कि क्या आज जिस तरह से कोई भी सामान्य जन शासकीय चिकित्सालय में बिना आयुष्मान कार्डधारी होने पर भी जाता है, उसका निशुल्क इलाज होता है, क्या ये व्यवस्था उसके बाद भी लागू रहेगी। तो
तो इन सब चीज़ों का हम लोग समाधान चाहते हैं, और हम चाहते हैं जो भी जिम्मेदार पॉलिसी मेकर से जो इतनी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं, वो इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें कि ये किस तरह से जनहितैषी है। आज जो जनता, जो सरकार की जिम्मेदारी है जनता को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की, और स्वास्थ्य में केवल उपचार की बात नहीं करना है, स्वास्थ्य में हमको प्रिवेंटिव केयर की बात करना है, हमको चिकित्सा शिक्षा से संबंधित जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है वो बातें भी करना है। तो हमको उनको न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब पर ध्यान देना है, और जो भी प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, आज जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो ये संस्थाएं उनकी जो दवाइयां केंद्र सरकार दे रही है, उनका जो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट, जो जांचों का जो सपोर्ट केंद्र सरकार दे रहा है, क्या ये संस्थाएँ जिनको ये अस्पताल अलाट होने वाले हैं वो उसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। जन स्वास्थ्य अभियान से देखिए, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था, एक तरफ पूरी जनता और जो संगठन है डिमांड यही कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाए जाएं, स्पेशलिस्ट को बढ़ाया जाए, जो सर्विसेज हैं उसको दिया जाए। और आपको याद होगा 2014 में सरकार ने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना लाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था फ्री ड्रग्स मिलेगी, डायग्नोस्टिक्स फ्री मिलेगा सरकार को। और 2015 में सरकार 27 जिला हॉस्पिटल प्राइवेट को देना जा रही थी, और उसी समय में 2015 में सरकार ने IMR MMR को कम करने के लिए एक दीपक फाउंडेशन, जो गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उन्होंने अलीराजपुर जिला अस्पताल और जोबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र IMR MMR के लिए पूरा NHM का फंड्स ट्रांसफ़र कर दिया था 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, बिना कोई टेंडर प्रक्रिया के। उसका विरोध हुआ, PIL भी गई, उसके बाद वो एक साल बाद वो विड्रॉ सरकार वो टेंडर निरस्त हुआ। उसके बाद 2020 में नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को PPP मोड में दे दिया जाए और उसमें मेडिकल कॉलेज डेवलप करने के लिए। उस प्रपोजल का भी मध्य प्रदेश सरकार ने विरोध किया था और बाकी कई राज्यों के लोगों ने विरोध किया था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। अभी इन्होंने 2011 जुलाई को एक टेंडर, इन्होंने नोटिस निकाला और एक टेंडर फ्लोट किया, जो ये टेंडर है, टेंडर की डॉक्यूमेंट है, और इसमें इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अपग्रेड करेंगे मेडिकल कॉलेज एंड अपग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये PPP बोल रहे हैं। बट ये 260 करोड़ रुपया में